सारे विवाद उन मस्जिदों से जुड़े हैं जिनका निर्माण दशकों पहले हुआ। इतिहास के इन्हीं विवादों को क्या वक्त रहते नहीं सुलझाया जा सकता था? काशी का विवाद जल्दी सुलझ भी जाए तो फिर मथुरा है, उसके बाद देश में तमाम जगह यही विवाद है। क्या हर जगह कानूनी कार्रवाई अब जल्द हो पाएगी? अयोध्या में तो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, विवाद, धार्मिक संघर्ष, अदालत और फैसले तक पहुंचने में अयोध्या को सदियों लग गई। 1528 में दावा होता है कि अयोध्या में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनती है, यानी हिंदू मुस्लिम विवाद अयोध्या में आजादी मिलने तक 400 साल तक चलता है। फिर आजादी के बाद देश की 1950 में अयोध्या की अदालत से मामला पहुंचता है, फिर 69 साल लग जाते हैं और नवंबर 2019 में अयोध्या का फैसला आता है। सदियों तक चले संघर्ष और दशकों तक चली कानूनी लड़ाई के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा। इस बीच देश में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक तनाव की अनगिनत घटनाएं हुई। क्या इसीलिए जरूरी नहीं कि अब ज्ञानवापी विवाद का फैसला लगातार सुनवाई करके जल्द पूरा हो, ताकि इसका राजनीतिक फायदा समाज को बांट कर ना कोई उठा सके? वजह ये कि मामला संवेदनशील है। हम लोगों ने अगर ये व्यवस्था ना की होती तो यहाँ 50,000 लोग होते, ये तो 500 लोग यहाँ मौजूद हैं मस्जिद के। शुक्रवार को 50,000 लोग आते हैं? नहीं, जो सेंसिटिव मैटर जब हो जाता है ऐसे दर्शनार्थियों की भी तादाद बढ़ी। ज्ञानवापी में जितने दिन विवाद खींचेगा, अपनी अपनी आस्था के मुताबिक लोग एक तस्वीर गढ़कर रखेंगे। जैसे शिवलिंग और फव्वारे को लेकर दलीलों की दीवार अपनी अपनी खड़ी की जा चुकी है। फाउंटेन को चलाने के लिए 400 साल पहले कहाँ बिजली थी? वो हंसने मजाक वाली बात है, वहाँ फुवारा था, फुवारा है, अब फुवारा ही रहेगा। आप बस गीत बन के कि हमारा है, हमारा है, हमारा है चिल्लाए जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं आपके सामने ला सकता हूँ जिन्होंने फव्वारा चलते हुए देखा है। ठीक है, देरी से जागे, 91 में जगे, लेकिन जब जागो तब सजा। अब ये कहना कि ये मंदिर तोड़ के भी सवाल ही नहीं, मैं वहाँ खुद पहले से जब मस्जिद थी, तो फिर कैसे ये कहा जा सकता है कि मंदिर तोड़ के बनवाएगी? और उसके भी सबूत मौजूद है हमारे पास। वाराणसी की जिला अदालत ये फैसला भी करेगी कि ज्ञानवापी मस्जिद का असल में धार्मिक स्वरूप क्या है। जैसे ये हैं ज्ञानवापी मस्जिद के इमाम अब्दुल बतिन नौमानी, इनके मुताबिक मंदिर तो कभी ज्ञानवापी थी ही नहीं, मस्जिद ही थी। जब औरंगजेब का जमाना आया तो इमारत कमजोर होने पर और जरूरत पड़ने पर उसको मौजूदा इमारत औरंगजेब ने बनवाई। लेकिन अब यह कहना कि ये मंदिर तोड़ के भी सवाल ही नहीं, मैं वहाँ खुद पहले से जब मस्जिद थी, तो फिर कैसे ये कहा जा सकता है कि मंदिर तोड़ कर बनवाएगी? संवाददाता आशुतोष इसीलिए इतिहासकार के पास पहुंचते हैं, जो हमें मसीर आलम नाम की इतिहास की किताब दिखाते हैं। इसमें औरंगजेब के तमाम फरमान दर्ज हैं। बहुत ध्यान से इतिहास की किताब के पन्ने और बयान सुनिए। इस किताब के अनुसार 8 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया, जिसके अनुसार उनके तीन प्रांतों में, तीन प्रोविंस में, टट्टा, मुल्तान और स्पेशली बनारस के मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया। इसी किताब में हमें रेफरेंस मिलता है कि 2 जून 1669 को औरंगजेब को अपडेट किया गया कि उसके हुक्म की तालीम हो चुकी है। और आदेश कब जारी किया गया था? आदेश जारी किया गया था 8 अप्रैल 1669। इतिहास के विवाद वर्तमान तक इसीलिए जारी है। क्या ऐसे विवादों का हल पहले नहीं निकल सकता था? तरीका क्या हो सकता था? भारत का इतिहास कोई सीधा सपाट इतिहास नहीं है, इसमें कोई विवाद नहीं, ऐसी बात नहीं। तो भारत में एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए थी कि इस तरह के विवादित, जिनकी स्मृतियां ताजा हैं, इन स्थलों के प्रति भारत की एक राष्ट्रीय नीति कैसी होनी चाहिए ताकि भारत में समरसता बनी रहे। इंडोनेशिया में अलग अलग हिस्सों में, एक उदाहरण देना चाहूंगा कि इंडोनेशिया के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के आपस में विवाद और डिस्प्यूट रहे हैं, लेकिन एक राष्ट्रीय नीति बनाकर वहां इनका समाधान किया गया। फिलहाल तो डर समाज की समरसता पर घिरे संकट का ही है, इनका रास्ता एक है। अदालत में मामले लंबी तारीखों में ना उलझे, लगातार सुनवाई हो। जैसे अयोध्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगातार 40 दिन आखिरी फैसले से पहले सुनवाई हुई थी।